हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आइए, अमर माई रिपेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। ये बाजा देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस पर लाइट आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में लाइट आ चुका है और स्पीकर भी हम लगाए हुए हैं, देख पा रहे होंगे, लेकिन इस पर आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आइए दोस्तों इसको देखेंगे और ये इसको FM पे देख लेता हूँ, इस पर आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे बहुत हल्का आवाज़ आ रहा है स्पीकर में। तो दोस्तों हम इसको, इसका जो कवर है खोल रखे हुए हैं, तो हम देरी न करते हुए हम इसको कवर को बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद हम जो इसमें IC जो लगा हुआ है उसे हम चेंज करेंगे और आप लोग के दिखाना चाहेंगे इसका IC जो है लगा हुआ है। तो हम इसमें का स्क्रू भी हम निकाल चुके हैं और जो IC देख पा रहे होंगे 4440 IC का नंबर है और हम IC को हम चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों IC को बाहर निकालेंगे। तो इसको हम सबसे पहले IC को हम तोड़ के निकालेंगे बाहर, क्योंकि इसको सोल्ड को पूरा साफ़ करने में क्योंकि टाइम लगता है, लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको तोड़ के निकाल दें ताकि हमें भी निकालने में टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको तोड़ के निकाल देंगे। और तोड़ने के बाद जो इस पर टूटा हुआ है पिन, तो उसको हम शोल्डर से निकाल लेंगे रख करके इस तरह से। फटाफट हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी पिन को बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम फिर इस पर दूसरा IC डालेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और आप लोग के हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस पे IC। तो सबसे पहले हम इस पर सिंगल IC डालेंगे और देखेंगे इस पर आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम बारी बारी से इसमें दोनों IC लगा देंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल IC लगा के देख लेते हैं इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये रहा IC 4440, ये नंबर इसका है IC का, बहुत हल्का दिख रहा होगा। और इसमें डबल IC लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक ठो ही IC को लगा लेते हैं, इसके बाद में हम दूसरा IC भी लगाएंगे इस पर। तो इसमें इस तरह से हम इस पर IC लगा देते हैं जैसे लगा हुआ था इस पर, इस तरह से। और जो इसका पिन है ये पूरा अच्छी तरह से लग चुका है और इसको हम सोल्ड कर देंगे। इसको बारी बारी से हम सोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें किनारे किनारे सोल्ड करते हैं क्योंकि इतना ही पर लगा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम किनारे किनारे सबसे पहले लगा लेते हैं और इसके बाद हम
पूरा बारी बारी से पूरा सोल्ड कर देंगे एक एक करके, इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं सोल्ड, और इसके बाद आप लोग के दिखाएंगे इस पे आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये हो चुका सोल्ड। तो इस पे हम करंट देंगे, और जो इसमें स्पीकर लगा हुआ है यह वाला तार में, तो इसी पे हम स्पीकर खोंस देंगे। स्पीकर खोंसने के बाद हम इस पे देखेंगे। दोस्तों इस तरह से हम स्पीकर वाला तार लगा देते हैं इसमें। वो तार लगाने के बाद इसमें हम मेन पावर देंगे। दोस्तों इसमें मेन पावर दे दिए हैं, और इसमें देख पा रहे होंगे आवाज़ आ रहा है। तो एफएम से आवाज़ है। तो सेम प्रोसेस दूसरा आईसी को भी करेंगे सेम। तो देख पा रहे होंगे इसके एफएम का आवाज आ रहा है, और इसके दूसरा आईसी भी लगाने वाले हैं। तो सेम इस तरह से भी आईसी को हम निकाल देंगे इस तरह से तोड़ के, जैसे पहले बार निकाले थे उस तरह से इसको भी सेम निकाल देंगे। और सेम प्रोसेसिंग इसको भी उसी करना है जस्ट। तो इसको भी हम इस तरह से लगा देंगे सोल्ड पिन निकालने के बाद। तो दोस्तों इसको भी हम सेम सोल्ड कर देते हैं जिस तरह से पहली बार किए थे सोल्ड, उस तरह से इसको भी सोल्ड कर देंगे बारी बारी से। और दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो इस पर लगाएंगे जो टीना होता है उसे लगा देंगे, ठंडा करने के लिए होता है वो ख़ास तौर से। किसी भी ट्रांजिस्टर आईसी के ऊपर टीना लगा रहता है, कोई चीज़ होता है जो आईसी होता है जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें हर ट्रांजिस्टर में लगा रहता है, क्योंकि उससे आईसी को ठंडा होता है, उससे जल्दी से हीट नहीं होता है, इसलिए उसमें लगाया जाता है। तो दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो चुका है सोल्ड होके, और इस पर हम वही जो बता रहे थे इस पर हम टाइट कर देंगे। तो इस पर हम लगा दिए हैं, और इसको हम टाइट कर देंगे जो इस पर स्क्रू लगा हुआ है इस तरह से पूरा अच्छी तरह से। और इस पर टाइट करने के बाद सभी नट को टाइट कर देंगे। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, और इस पर हम जो दूसरा आईसी का आईसी लगा हुआ है उसे हम चेक कर देंगे स्पीकर लगा के, क्या उसमें भी आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो स्पीकर का हम तार इस तरह से जोड़ दिए हैं दूसरा में, और देखेंगे इस पर पावर देखें। तो दोस्तों आईसी आवाज़ आ रहा है दोनों आईसी से, और एफएम पे है, एफएम से आवाज़ आ रहा है।
और इस पर गाना चीप रहेगा तो गाना भी बज सकता है या फिर मोबाइल से बजा सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है फाइनली, तो ये कंप्लीट हो चुका है और इस पर हम स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू लगाने के बाद टाइट कर देंगे और ये बन के कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो पहली बार देख रहे होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।